गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर संध्या। जैसा कि आपको पता है कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो कल मैंने पूजा, अरे हाँ, से मैं पूजा साफ कर रही हूँ और कल किचन साफ किए, फ्रिज साफ किए हैं और आज मेरा पूजा का डे है क्योंकि आज पितृपक्ष ख़त्म हुआ है, तो आज पूजा आज ही साफ करना चाहिए। तो ये मेरा पूजा का सफाई है, देखिए कितना बिखरा पड़ा है, अभी बहुत काम बाकी है। सब में पेपर बिछाना है, फिर सब सामान लगाएंगे, फिर माता का चौकी लगाएंगे। तो आप लोग बताइए, वैसे मैं इस पर ब्लॉग बनाने वाली थी, बना नहीं पाई कि आप 9 दिन क्या माता को भोग लगाएं और क्या आप कैसा वस्त्र पहने। तो मैं बनाई नहीं हूँ, लेकिन मैं पिछली बार की तरह इस बार भी मैं वैसे ही कोशिश करूँगी कि रोज़ भोग बना के दिखाऊँ क्या लगा रही हूँ डे वाइज, और क्या मैं किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, फर्स्ट डे क्या पहनना चाहिए क्या। तो मेरा बन तो नहीं पाया, लेकिन जब पहनते जाएंगे और बना नवरात्र जैसे जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड होगा उसी हिसाब से दिखाएंगे, और मेरा डेली पूजा का रूटीन रहेगा क्या रहेगा। और ये देखिए, मैं रात में ही चौकी में कपड़े वपड़े बिछा देती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत काम रहता है तो सुबह नहीं ये सब कर पाएंगे, तो आधी तैयारी जो करने वाली होती है वो रात में कर लेते हैं। मंदिर भी पूरा कपड़ा बिछा दिए हैं, सब सजा दिए हैं मंदिर को, बस सुबह जो कलश वलश का काम रहेगा वही करना रहेगा। और मैं माता जी के लिए देखिए 2 वस्त्र लाई हूँ। मैंने ये माता जी का शॉपिंग किया, ये माता का लहंगा है जो मैं कल पहनाऊँगी, और ये चुनरी ऊपर से उड़ाते हैं, तो 2 लहंगा लाए हैं और ये छोटा सा लाए हैं चौकी पर बिछाने के लिए, उनकी छोटी सी चौकी पर बैठाते हैं माता को। और ये उनका हार है और उनका ये मुकुट लाए हैं सुंदर सा। तो ये 2 लहंगा एक फर्स्ट डे पहनाएँगे और एक लास्ट डे पहनाएँगे, 2 चुन्नी है। तो ये माँ का पूरा वस्त्र लेकर आए, एक कलश वगैरह जो कल इसको साफ से हल्दी वल्दी लगाकर गोबर से वो करते हैं। और ये मेरा आज का ये ब्लॉग मतलब एक दिन पहले का है, और दूसरे दिन का वीडियो मैं बनाऊंगी। अभी मैंने मंदिर मंदिर देखे साफ करके लगा दिया है, पूरा वस्त्र बिछा दिया। और जय माता दी, आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो देखिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है, ज्वारे भी बो दिए हैं और पंडित जी आ गए, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, 9 ग्रह बना रहे हैं, षटस मातृका बना रहे हैं, और मैंने भी अपनी तैयारी कर दी है, कलश को साफ करके पानी उसमें भर दिए हैं और ज्वारे भी बो दिए हैं। तो ये दूसरे दिन का वीडियो है और आप लोग को नवरात्रि की शुभकामनाएँ। और ये देखिए, माता जी को मैंने वस्त्र भी पहना कर उनकी चौकी पर बैठा दिया है, और ये यहाँ पर ज्वारे भी गो दिए हैं। अब पंडित जी अपना सब बना रहे हैं, उसके बाद मैं भी आऊँगी तैयार होकर, तो पूजा करेंगे हम लोग। और ये देखिए, पूरी तैयारी हो चुकी है, पंडित जी ने 9 ग्रह और षटस मातृका बना दिए हैं। और पंडित जी आज थोड़ा सुबह बहुत जल्दी आ गए थे, 7 बजे ही आ गए थे, तो अभी हम लोग रेडी नहीं हैं, मतलब हम तो नहा लिए हैं, मेरे पति देव नहीं नहाए, वो नहाने गए हैं और हम रेडी हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर संध्या, और जय माता दी। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी भक्तगणों को नवरात्रि के पहले दिन की शुभकामनाएं। और आज माता का वस्त्र ऑरेंज कलर है, तो देखिए मैंने ऑरेंज कलर पहना है। और माता का भोग है घी, या घी से बनी हुई, गाय के घी से बनी हुई कोई भी चीज़, तो आप नारियल भी चढ़ा सकते हैं, आप गाय के घी से कोई चीज़ बना कर चढ़ा सकते हैं, या माँ को शुद्ध देशी घी भी अर्पित कर सकते हैं। तो आज माँ का भोग यही है, और मैं अपने पिछले ब्लॉग से ये कोशिश करती हूँ कि माँ का वस्त्र डे वाइज पहनूँ और डे वाइज में माता का भोग लगाऊँ। तो फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ, पंडित जी मेरे आ गए हैं, तैयारी वारी कर रहे हैं और हम लोग अब जा रहे हैं पूजन करेंगे। सो गाइज, बहुत बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है और थक के भी बहुत चूर है, तो मेरा प्रॉपर वीडियो बन नहीं पा रहा है कि कैसे करें, क्योंकि काम भी करना और वीडियो बनाना, और मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है कि मैं उसको वो कर सकूँ, तो नहीं, मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जितना हो सकता है मैं पॉसिबल कर मतलब दिखाने की कोशिश करती हूँ, और बाकी आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। मैं बता दूँगी ऐसे बोल के कि मैं क्या क्या करती हूँ, तो जितना हो पाया मैं करी हूँ कोशिश। और कल तो बहुत ज़्यादा ही काम था, तो कल का वीडियो तो बन नहीं पाया, थोड़ा ही बनाया तो भी डाल नहीं पाया है, पहले उसको डालेंगे फिर ये। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। प्रतिबंध ओम पवित्र सौ वैष्णव्यो समत वर्षपण जय ग्रंथि वंदनम पूर्ण है।
ओम पंचनद सत्यम अपनपदस दशदेशे भवसत पंचामक स्नानम समर्पयामि ओम भया प्रतिज्ञान भया भोकदेशो भया दिवंतरिक्षे भया दाह वस्त्र वस्त्रम समर्पयामि भाई जी हां देव जी को बार जी यहां पर आ सब देव जी कलश पे मैं देव जी को चुना रहा हूं कलश पे है कलश मंडल देवता थोड़ा सा देवता ओम जीवास्वासा प्रवेत्यागा सौस्यान्वति जायमान तन्निरासकोनन्ति सद्दमन्सदेवन्त ओम राधेवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण सहस्रा नमस्तस्य 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 नमो नमः आदि प्रचारादि ओम तदेव सगोविन्दं तपमे सर्वज्ञानसंपन्न प्रसिद्ध परमेश्वर बोले मैया की जय माता की सिंदूरं सवरमत्तं सौभाग्यं सुपरं शब्दं कांदं चैव सिंदूरं तथा भगवतः स्मरामि सिंदूरे प्रार्थने सुदनाथम वाकंतवागतिधारारूपवागी कट्टाबिन परवन सिंदूरम समर्पयामि माल्यादेने सुगंधिनि माले प्रभो मैं तन पुष्पाणि पूजार्थे तन पुष्पालंके समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि हे दुर्गा मैया की जय आग्रह करे देवा नंद उपयं सुगम तथा मकर करामि आसी तंत्रकम श्रेष्ठ नो देव समर्थ परिभ्याम भूमि दिशा चौदह काल भाग बेन ओम सादेश है मदे पे पवस सोमधारया इंद्राय पादवेशक पाद वज्रमय ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा इदं फलं मया देव स्थापितं वर्तते मे सफलार वात्र भवे जन्मनि अनेन फलदानेन फलदोष सदामम एतानि फलानि समर्पयामि तु फलं समर्पयामि भोगी फलाय ओम भोगी फलं महत्यत्वं नावृत एतासं तामुलं तव भोगी फलं समर्पयामि आमि देव दुर्गा मैया की जय बोल चमगयो श्री रघुवर समग्रे देव समग्रे ओम विघ्नेश्वराय वरदा सुरप्रियाय रमलो लंबोदराय सकलाय विदाय नागान्न श्री गुरुदाय गौरी सकलाय नमः श्री गणपति नाथाय उत्तम परम धर्मक्षम उमासतम शोभनाशकारम नमस्कारम मंगल मंगले सुवे सर्वासादि कचरण नेत्रम केवल नाने समर ब्रह्म ब्रह्म व्रत प्राण गाय मानस जीव मोक्ष कपदश मनुष्य ग्रह सनाव कदव सर्व जात चक्षो दुर यत श्रोत्र द्वाय सु प्राण संसान तत कदली गर्भ संभूतम कृपार्थम पशम कर पूर्व गौरम गणाव धारम संसार धारम मुझे गेंदारम सदा वदन तम जय अरविंदे भवम भवामि चतुर नामी प्रेम दुर्गा मैया की पहले भगवान जी दिए ना और ये देखिए मेरा मंदिर सज चुका है और पूजन भी हो चुका है। तो आज नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री माता का दिन है, तो शैलपुत्री माता को ऑरेंज कलर या पीले रंग का वस्त्र पसंद है और या घी देसी घी से बनी हुई चीज़ें या देसी घी आप प्रसाद में चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर भोग में लगाना चाहिए। नहीं कुछ अवेलेबल है तो देसी घी ही चढ़ा दें, नहीं इससे माता प्रसन्न होती हैं। तो यहाँ पंडित जी अपना पूजन कर रहे हैं और ये माता जी का मेरे मंदिर और मेरी माता जी सच गई हैं। बोलो जय माता दी दुर्गा मैया की जय। मैं देखिए माइक्रोवेव में मूँगफली भूनती हूँ, तो माइक्रोवेव में बहुत अच्छी मूँगफली भूनती है। तो ये देखिए मेरी मूँगफली भून गई है और बहुत अच्छी भुनी हुई है, देख सकते हैं आप। तो कुछ नहीं, कोई 3-3.5 मिनट में भून भी जाता है या मैक्सिमम 4, थोड़ी थोड़ी देर पर मिनट लगाते रहते हैं, देखते रहते हैं। एक साथ अगर पूरा लगा देंगे तो फिर पता नहीं चलेगा हमारा खाना ही मेरा भून गया है। तो मैं चाहूँगी साबुनदाने और लौकी की खिचड़ी बनाने। जीरे और मिर्ची का तड़का देके फिर लौकी छौंक देते हैं, तो जब लौकी थोड़ा फिर टमाटर भी डाल देंगे, तो जब लौकी टमाटर थोड़ा गल जाएगा तब साबुनदाना इसमें डाल देते हैं। तो ऐसे ही मैं बनाती हूँ लौकी साबुनदाने की खिचड़ी। और देखिए टमाटर भी डाल दिए हैं, तो दोनों साथ ही गल जाएगा तब साबुनदाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज घी या घी से बनी हुई चीज़ें माता जी को भोग लगेगी और नारियल का भोग लगेगा। तो ये देखिए मैंने पेड़ा लगाया है भोग, वो भी घी, मतलब घी से क्या मतलब दूध गाय के दूध से बनता है और घी का भोग लगा रहे हैं। और ये मैं साबुनदानी का खीर तो हमेशा जब पूरे नवरात्र पर मैं बनाकर माता जी को भोग लगाती हूँ। तो ये मेरा आज का भोग है माता जी का। और ये देखिए माता का श्रृंगार है पूरे मेरे मंदिर का।
और आज पहले दिन माता को नारियल भी चढ़ाते हैं। नारियल का भी भोग है और प्लस नारियल चढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि फिर लास्ट वाले दिन यही हम प्रसाद के रूप में लेते हैं। तो ये मैंने स्वास्तिक बनाकर माता जी को ये नारियल चढ़ा दिया है, और फिर जब पूरे नवरात्र ख़त्म हो जाएंगे तो हम सब लोग मतलब पूरे परिवार में सब में प्रसाद बांटेंगे इसी का। तो आज का मेरा माता का भोग घी है, मेन घी ही है, गाय के घी का भोग लगता है माता को, तो मैंने गाय के घी का भोग लगाया है उनको, और खीर और पेड़ा ये सब। और ये मेरी माता जी का पूरा मंदिर है, देख लीजिए, अभी ज्वारे बो दिए हैं, अभी तो जब आएंगे तब दिखाएंगे। ये फर्स्ट डे का दर्शन कर लीजिए आप लोग, और बोलिए जय माता दी। पंडित जी अभी मेरे पाठ कर रहे हैं, तो जब तक वो पाठ करते हैं तब तक मैं उनके लिए नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे साबुनदाने की खिचड़ी और साबुनदाने का खीर और ये मूँगफली मखाना, ये मैंने भुनकर सब रेडी कर लिया है। तो जब वो उठेंगे तो यही मैं उनको चाय और नाश्ता दूँगी। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा पहले दिन नवरात्रि का यहीं पर ख़त्म होता है। और पिछले साल की तरह इस बार भी आप लोग मेरे ब्लॉग में मुझे प्यार दीजिए। पिछले साल आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे ब्लॉग को प्यार दिया था, माता रानी के सारे 9 दिन के आप लोगों ने अच्छे व्यू दिए थे। सो जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर। जय अम्बे गौरी शुंभरी शुंभ विहारे महिषासुर घाती मा महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयन निश दिन मद माती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे चोड़ित बीज हरे मैया चोड़ित बीज हरे मधुकर तब दुमारे सुर भय हीन परे। ओम जय।